जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आज हम लोग खेलने वाले हैं पोकेमॉन फायर एश। तो अगर आप लोगों ने ये गेम अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में गेम लिंक है, जल्दी से जाके डाउनलोड करो गेम को और हम लोगों के साथ खेलना स्टार्ट करो। और अगर आप लोग नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी को वो सारे डाउट्स जो आप लोगों ने कमेंट में भेजे थे कि गेम फास्ट कैसे चलेगा, बाकी सेव वगैरह बाकी सारे ऑप्शंस कैसे आएंगे, वो सब बताने वाला हूँ। और भाई मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये गेम खेलने के लिए। मैं खुद काफ़ी टाइम से ये गेम खेलना चाहता था, तो फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हम ये गेम खेलने वाले हैं। तो ये हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। तो भाई हम आ चुके हैं अपने रूम में और सिस्टम से चलो हम निकाल लेते हैं एक पोशन। तो ये पोशन निकाल लिया है हमने। अब यहाँ पे आप लोग नीचे देख रहे होंगे दो बटन, दो रेक्टेंगल बटन होंगे, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। तो जो राइट साइड का है वो आपका एस्केप बटन है, जो लेफ्ट साइड का है वो है आपका एंटर। और ये आपके जो छह सर्कल वाले बटन हैं, इनमें जो टॉप लेफ्ट पे है उस पे अगर आप जाएंगे तो उस पे ये सारे ऑप्शंस आएंगे। यहाँ से आप स्पीड वगैरह बढ़ा सकते हैं टैक्सी और बाकी सारी चीज़ें। और जो ऊपर एक एरो दिख रहा है उस पर आप क्लिक करोगे तो इस टाइप कुछ बटन्स आएंगे। इसमें आप ये जो फास्ट फॉरवर्ड टाइप का बटन है इस पर क्लिक करोगे तो आपका बहुत ही तेज़ गेम प्ले चलने लगेगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरा। और सबसे सही बात क्या है, आपका गेम प्ले तो तेज़ चलेगा ही चलेगा, लेकिन आपका जो म्यूज़िक है वो नॉर्मल ही रहेगा। तो चलो भाई, मॉम ने वैसे ही बोला कि लेट हो गए हो तुम बहुत ज़्यादा। और यहाँ है गैरी, तो गैरी बोल रहा है कि भाई इसने सबसे अच्छा पोकेमॉन ले लिया है अपने ग्रैंडफादर से और हम काफ़ी पीछे छूट गए हैं। तो जैसा ऐश की जर्नी में हुआ था, ऐश लेट उठता है और उसे कोई भी स्टार्टर पोकेमॉन नहीं मिलता। तो यहाँ ये रहे प्रोफेसर ओक, ऑल द स्टार्टर पोकेमॉन्स हैव बीन ऑलरेडी टेकन। तो यहाँ सिर्फ एक पोकेमॉन बचा हमारे लिए, पिकाचू। तो चलो पिकाचू को ही ले लेते हैं और हम यहाँ किसी भी पोकेमॉन को निकनेम नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरह ऐश ने कभी अपने किसी पोकेमॉन को निकनेम नहीं दिया, हम भी अपने किसी पोकेमॉन को निकनेम नहीं देंगे। तो चलो पिकाचू को चूज़ कर लिया और यहाँ पिकाचू हमारे ऊपर बैठ गया, पोकेबॉल में नहीं गया। और यहाँ हम अपनी पोकेबॉल्स और पोके डेक्स भी ले लेते हैं। तो चलो अपनी जर्नी पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ देखते हैं क्या क्या मिलता है यार। ये गेम कसम से यार मैं बहुत टाइम से खेलना चाह रहा था बट किसी ना किसी वजह से नहीं खेल पा रहा था, और अब जब स्टार्ट किया है तो बहुत मज़ा आने वाला है। और ये हमारी मॉम आ गई हैं और हमें रनिंग शूज़ मिल चुके हैं। तो यहाँ जो सर्कल वाले बटन्स हैं इनसे ही रन भी कर पाओगे, लेकिन मुझे नहीं लगता रन करने की ज़रूरत होगी हमें, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड जो हमने किया है उसी से हमारी स्पीड इतनी तेज़ हो गई है कि रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। और यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, हमारे पास शायद फ़िशिंग रॉड नहीं है अभी, तो हम फ़िशिंग नहीं कर पाएंगे। देख लेते हैं फ़िशिंग रॉड है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास फ़िशिंग रॉड होगी अभी, नहीं फ़िशिंग रॉड तो नहीं है, तो फ़िशिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे। वरना मैं सोच रहा था एक आध वाटर टाइप पोकेमॉन खरीद, मतलब कैच कर लेते, यहाँ खरीदने जैसा कुछ तो है नहीं। चलो टैक स्पीड फास्ट कर दी हमने और बाकी ये कंट्रोल्स देख ही सकते हो आप लोग, नॉर्मल थोड़े बहुत। बाकी यहाँ से आप गेम सेव कर सकते हो। और ये हमारा पिकाचू लेवल 5 का, मस्त लग रहा है यार। और अभी से थंडर बोल्ट है इसके पास यार, देख रहे हो बहुत तगड़ा मूव है भाई थंडर बोल्ट। तो यहाँ एक पोकेमॉन सामने आ चुका है, पॉलीवैग, अच्छा पोकेमॉन यार वाटर टाइप, कैच करें। नहीं यार ये गेम कैच करने लायक नहीं है, आई मीन पोकेमॉन्स कैच करना हम अलाउ नहीं करेंगे इस गेम में। आई मीन कुछ रूल्स बनाते हैं इस गेम के लिए। जिस तरह ऐश ने अपनी जर्नी को कंप्लीट किया, जिस तरह उसे जो जो पोकेमॉन मिले, जो जो उसने कैच किए, हम सिर्फ उन्हीं पोकेमॉन को कैच करके इस गेम को कंप्लीट करेंगे। और ये स्पीयर आ गया यार, तो ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि ऐश ने जब जर्नी स्टार्ट की थी तो कुछ टाइम बाद स्पीयरों के ग्रुप ने अटैक कर दिया था ऐश पे। इसी तरह हमारे हमें भी स्पीयरों देखने को मिली,
और ये हम आ चुके हैं वेरिडियन सिटी में। ये एक पोकेबॉल ही थी ये। चलो बढ़िया यार, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। इस साइड तो कुछ नहीं है। चलो पोकेबॉल सेंटर में चलते हैं, हील कर लेते हैं पिकाचू को। और ये क्या, टीम रॉकेट आ चुकी है यार यहाँ पे। बहुत सही यार, मतलब और क्या चाहोगे इस गेम से। तो स्टार्टिंग में एक्कन्स आया है लड़ने, थंडर बोल्ट यूज़ करते हैं। बच गया यार एक्कन्स, सही है यार, एक्कन्स थंडर बोल्ट से बच गया, बहुत बड़ी बात है। और कॉफिंग आया है अब सामने, ये तो एक थंडर बोल्ट में ही निपट गया। बहुत सही, हमने अच्छा किया यार स्पीड बढ़ा के। चलो पिकाचू को हील भी करवा लेते हैं यार, थोड़ा सा डैमेज तो हुआ है बाइट से, बट हमारा पोकेमॉन जितना ज़्यादा हील रहे उतना ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। तो चलो भाई पिकाचू हील हो चुका है, और फिलहाल हमने और कोई से ज़्यादा पोकेमॉन्स कैच नहीं किए हैं। क्या करें, मार्ट में चलें क्या? चलो चलते हैं। ये जिम है लेकिन ये दद्दू खड़े हैं, द जिम हैज़ बीन क्लोज्ड नाउ, तो अभी जिम बंद है। और ये मार्ट में चल के कुछ आइटम्स ले लेते हैं यार अपन। पहले तो पोशंस ले लो यार, और दो तीन पोकेबॉल्स भी ले लेते हैं, मे बी ज़रूरत पड़ गई, पड़नी है यार, काफ़ी सारे पोकेबॉल्स कैच करने हैं हमें। चलो चार छः पोकेबॉल्स ले लिए, थोड़े बहुत पोशंस ले लिए। चलो भाई चलते हैं आगे जर्नी में, देखते हैं कौन कौन क्या क्या मिलता है हमें। ये बंदा शायद बैटल करने वाला था इसलिए जल्दी से आ गए हम लोग। हाँ लेफ्ट साइड चल के देखते हैं भाई, कैटरपी दिख रहा है यार मुझे यहाँ एक। इस गेम में एक चीज़ यार मुझे समझ में नहीं आई, अपने आप बार बार गेम एड सेव द गेम ये लिखा क्यों आ जाता है, ये समझ में नहीं आया मुझे। और भाई ये क्या हुआ यार, कैटरपी पे क्लिक किया और वो कैच कर लिया यार हमने अचानक से, समझ में नहीं आया यार ये मुझे, ये हुआ तो कैसे हुआ। बट सही है यार, कैटरपी मतलब डायरेक्ट ही मिल गया, ना हमें उससे बैटल करनी पड़ी, ना उसे कैच करने के लिए कुछ भी करना पड़ा। और ये पिकाचू लेवल अप हो चुका है 7 पे, और एक नया मूव सीख रहा है प्लेन आइस। तो सिखाएं क्या, थंडर शॉक की जगह सिखा देते हैं यार, है ना, थंडर बोल्ट है तो यार थंडर शॉक की ज़रूरत क्या है, सिखा देते हैं थंडर शॉक की जगह। प्लेन आइस का ये मतलब है कि अपोनेंट जो है वो अटैक नहीं करेगा अपन पर, लेकिन कब तक, लास्ट टाइम यही हुआ था अपने किसके साथ यार, गजील के साथ हुआ था पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड में, अट्रैक्ट मूव यूज़ कर दिया था बट फिर भी अपोनेंट ने अटैक कर दिया और एक हिट में निपटा दिया। चलो कैटरपी को आगे स्वाप कर लेते हैं, ताकि कैटरपी बैटल करके जल्दी से बटरफ्री में इवॉल्व हो। और यहाँ भाई पोकेबॉल मिल गई एक, उसमें पता नहीं कौन सा आइटम था, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट यहाँ रास्ता बंद था तो अब हम दूसरी साइड से चलते हैं आगे। ये क्या है, पिजियोटो, वाह यार, मतलब कैटरपी पिजियोटो, आई थिंक ऐश के सारे पोकेमॉन्स हमें इसी तरह से मिलेंगे इस गेम में। रन मुझे नहीं लगता यार कर पाएंगे, पिकाचू को बुला लेते हैं, एक थंडर बोल्ट मारेंगे और पिजियोटो निपट जाएगा। चलो पिजियोटो को निपटा दिया हमने, कैटरपी भी लेवल अप हो गया थोड़ा सा, और यहाँ हमें अपना पिजियोटो मिल गया है यार, बहुत सही। निकनेम वगैरह कुछ नहीं देना। चलो भाई तीन पोकेमॉन्स हो गए, मज़ा आ गया यार। कैटरपी पिजियोटो, आई थिंक इस बंदे से बैटल करनी पड़ेगी आगे, जो आइटम है उसे लेने के लिए। तो बग कैचर डोग ऐसा कुछ नाम था इसका, इसके पास है वीडो, तो इसके लिए तो पिजियोटो को बुलाते हैं यार, एक गस्ट में निपटा देंगे इसे। तो बच गया यार, बहुत ज़्यादा ही तगड़ा था वीडल, और पॉइजन कर दिया, अरे ज़्यादा ही तगड़ा है यार ये वीडल। एंटीडोट है यार शायद हमारे पास,
पोशन मिल गया एक और, चलो बढ़िया। एंटीडोट यूज़ कर लेते हैं यार, क्योंकि बेचारा पिजियोटो पॉइजन हो चुका है यार। पिजियोटो ऐश की जान था, देखा ही होगा आप लोगों ने यार, जब जो टूर्नामेंट था वो एंड हुआ था, उसके बाद जब टीम रॉकेट ने पिजियोटो पे वार किया तो ऐश ने गुस्से में आके चारिज़ार्ड को चूज़ कर दिया था डायरेक्ट। जान है यार पिजियोटो। यहाँ एक पिजी सामने आया है, रन कर लेते हैं यार। कैटरपी भी थोड़ा लेवल अप हो चुका है तो रन कर सकते हैं। अब एक और वाइल्ड पोकेमॉन, एक और पिजियोटो। ये रास्ता पिजियोटो और पिजियोट से भरा पड़ा है यार, रन करके देखते हैं। रन कर लिया फिर से, चलो बढ़िया यार। तो एक और ट्रेनर लड़ने आया है और उसके पास है पिंसर लेवल 7 का, तगड़ा है यार। चलो पिजियोटो को ही लेके चलते हैं और पहले एक भाई पोषण दे देते हैं, सबसे पहले पोषण दे देते हैं वरना पिजियोटो निपट जाएगा। भाई भयानक अटैक्स हैं यार इसके तो। एक काम करते हैं, सैंड अटैक यूज़ कर देते हैं, एक दो सैंड अटैक्स यूज़ कर देंगे, इसके अटैक्स मिस होने लगेंगे। और भाई पोषण देना पड़ेगा बाबा, वरना पिजियोटो तो निपट जाएगा यार यहीं पे। अभी भी टैकल यूज़ कर रहा है ये पिंसर, एक दो सैंड अटैक और देन बैक टू बैक गस्ट यूज़ करेंगे यार हम। बस आई थिंक ये टाइम है गस्ट यूज़ करने का अब। चलो पिंसर के अटैक्स में सो रहा है, पिंसर भयानक पोकेमॉन है यार। एक गस्ट और पिंसर गया, अरे जाते जाते भी मार के गया यार। और अब भाई कैटरपी धना धन लेवल अप हुआ है यार, और पिजियोटो भी लेवल 9 पे आ गया। चलो सही है, अगला पोकेमोन आ रहा है मेटापॉड, और यहाँ हम स्विच करके कैटरपी को बुला लिया लेवल अप करने के लिए। चल भाई कैटरपी भी लेवल 7 या 8 का हो गया, और ये मेटापॉड डिफेंस बढ़ा रहा है यार, हार्डन यूज़ कर रहा है। क्या ही कर लेगा भाई हार्डन यूज़ करके, कितना हार्डन करेगा। और ये मेटापॉड भी गया, ये समुराई लिखा था यार। और अब भाई कैटरपी इवॉल्व हो रहा है यार, ये समुराई शायद वही बंदा था जिसमें मेटापॉड वर्सेस मेटापॉड की हार्डन हार्डन वाली बैटल हुई थी। और ये हमारा कैटरपी इवॉल्व हो गया मेटापॉड में यार। इसमें एवोल्यूशन का जो तरीका है वो भी काफ़ी हटके है यार एकदम। अपोनेंट वीडल है, बैटल करें क्या, करके देखते हैं यार। पॉइजन कर दिया रे इसने तो, अरे भाई जितना हम उसे दे रहे हैं उससे ज़्यादा वो अपने पॉइजन से दे रहा है हमें। फिर भी निपटा तो देंगे इसे शायद, एक हिट और मार के देखते हैं। और ये वीडल गया। और भाई लोग मेटापॉड के पास शेड स्किन एबिलिटी है जिसकी वजह से उसने खुद ही पॉइजन को हील कर लिया, तगड़ा है यार मेटापॉड भी। कौन कहता है मेटापॉड बेकार है, बहुत तगड़ा पोकेमोन है यार। और यहाँ एक और जिम दिख रहा है मुझे, और ये शायद प्यूटर सिटी में आ चुके हैं हम लोग। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम हम लोग चलेंगे प्यूटर सिटी में जिम लीडर ब्रॉक के साथ बैटल करने के लिए। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली बार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।